नमस्कार, मैं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पटना समेत राज्य के कई जिलों पर बना है वज्रपात के साथ बारिश का खतरा। केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए अब सांसद के अलावे सभी कोटा हुआ खत्म। बूथ लेवल ऑफिसर करेंगे मतदाताओं के घर घर जाकर उनकी जाँच। अवैध बालू खनन के मामले में सामने आए कई बड़े चेहरों के नाम। नन्हे अयांश की मदद करने के नाम पर ठगी करने वाला गिरोह हुआ सक्रिय। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए अब सांसद के अलावे सभी कोटा हुआ खत्म। केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन करने के लिए अब किसी मंत्री या फिर नेता की पैरवी नहीं चलेगी, यह फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। फैसले के मुताबिक अब सिर्फ सांसद को ही केवल 10 कोटा मिलेगा, जिसके जरिए वे अपने क्षेत्र में 10 बच्चों का एडमिशन कराने के हकदार होंगे। इसके अलावे किसी भी मंत्री या फिर अन्य नेता की पैरवी पर एडमिशन नहीं हो सकेगा। इसका मतलब साफ है कि अब ज्यादा से ज्यादा बच्चों के एडमिशन उनके मेरिट के आधार पर ही हो सकेंगे। बताते चले कि केंद्रीय विद्यालय पूरी तरह मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन चलता है। हालांकि आपको बता दें कि स्वयं शिक्षा मंत्री भी सांसद होने के नाते 10 सीटों पर पैरवी एडमिशन करवा सकते हैं। नवनिर्मित पाटलिपुत्र बस टर्मिनल का डीएम एसएसपी ने लिया जायजा। राजधानी पटना का पुराना बस स्टैंड मीठापुर अब 3 दिन पहले ही आईएसबीटी बैरिया में शिफ्ट हुआ है। ऐसे में कई यात्री सुविधाएं अब भी यहां बहाल नहीं हो सकी है, इसलिए यहां अत्याधुनिक सुविधाओं को बहाल करने के लिए बीते दिन पटना के डीएम और वरीय पुलिस अधीक्षक ने संबंधित पदाधिकारियों के साथ मंगलवार की रात नवनिर्मित पाटलिपुत्र बस टर्मिनल का निरीक्षण किया। डीएम और एसएसपी ने निरीक्षण के दौरान सड़क पर खड़ी 100 बसों को चिन्हित किया और जिला परिवहन पदाधिकारी को इन बसों को हटवाने अथवा परमिट रद्द करने का निर्देश दिया। साथ ही टर्मिनल परिसर में 100 बसों की जगह बढ़ाने, रोड पर डिवाइडर के कार्य में तेजी लाने, लाइटिंग की व्यवस्था करने, परिसर एवं बाहर की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए 32 अतिरिक्त सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया, जिससे कुल सीसीटीवी की संख्या 48 हो जाएगी। गंगा कोसी बागमती में बढ़ते जलस्तर से बाढ़ का खतरा बना। बिहार के कई इलाकों में इन दिनों फिर से लगातार रुक रुक कर बारिश होने की वजह से नदियों का पानी लाल निशान से ऊपर बह रहा है। इससे एक बार फिर से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पटना में गंगा नदी का पानी खतरे के लेवल से पार कर गया है, तो वहीं पुनपुन नदी के उफान पर आने के बाद मसौढ़ी और धनरुआ प्रखंड के 27 गांव पर खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा कोसी, बागमती, अधवारा और गंडक नदियों के जलस्तर भी बीते दिन मंगलवार को खतरे के निशान के पार दर्ज किए गए हैं। खगड़िया के बालतारा में कोसी नदी 102 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, तो वहीं भागलपुर के कहल गांव में गंगा का स्तर खतरे के निशान से महज 41 सेंटीमीटर ही नीचे है। इसके अलावा कैमूर में भी दुर्गावती नदी लगातार उफान पर बनी है, जिससे बाढ़ के हालात बन गए हैं। बूथ लेवल ऑफिसर करेंगे मतदाताओं के घर घर जाकर उनकी जांच। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से नए मतदाताओं के नाम को जोड़ने के साथ ही छूटे हुए वोटरों के नाम जोड़ने के लिए वोटर लिस्ट रिवीजन का कार्यक्रम बीते दिन मंगलवार से शुरू कर दिया गया है। इस कार्यक्रम के तहत अब बिहार में भी मतदाताओं की लिस्ट में 9 अगस्त तक दोहरे नाम या फिर अन्य तरह की गलती को दूर किया जाएगा, जिसके बाद बीएलओ अपने बूथ के मतदाताओं के घर घर जाकर उनकी जांच करेंगे। निर्देश के मुताबिक इस काम को 31 अक्टूबर तक सुनिश्चित करने को कहा गया है, जिसके बाद 1 नवंबर को राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्र के वोटर लिस्ट के प्रारूप को प्रकाशित किया जाएगा। इस बीच 1 से 30 नवंबर तक मतदाता दावा आपत्ति के लिए आवेदन दे सकते हैं। आयोग के आदेश के अनुसार अगले साल जनवरी महीने की 5 तारीख तक नए मतदाताओं के साथ सभी क्षेत्र के वोटरों की लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर कोरोना मामले को छिपाने का लगाया आरोप। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर करीब थम चुकी है, लेकिन इस बीच आंकड़ों को छिपाने का विवाद अभी थमा नहीं है। विपक्षी नेता तेजस्वी यादव एक बार फिर बिहार सरकार पर संक्रमण से जुड़े मामलों को छिपाने का आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि देश भर में किए गए सीरो प्रिविलेंस में पाया गया है कि बिहार में कोरोना मरीजों का प्रतिशत ज्यादा था, जिसके मुताबिक दूसरी लहर में 9.5 करोड़ वास्तविक मामले आए थे, जबकि सरकार की तरफ से 7 लाख कोरोना मरीज होने की बात कही जा रही है। तेजस्वी के दावे के मुताबिक दूसरी लहर के दौरान राज्य में 74% से अधिक यानी कि हर 4 में से 3 आदमी कोविड से संक्रमित हुआ। वहीं विपक्षी नेता ने आरोप लगाया है कि बिहार सरकार ने हर 134 लोगों में से केवल 1 को कोरोना संक्रमित माना है और कहा कि गड़बड़ी के जिम्मेदार बिहार की खराब स्वास्थ्य व्यवस्था है। पटना समेत राज्य के कई जिलों पर बना है वज्रपात के साथ बारिश का खतरा। मानसूनी प्रभावों से आए दिनों फिर से राज्य में रोज ही बारिश हो रही है। अगले 3-4 दिनों में यह स्थिति बने रहने की संभावना जताई गई है।
मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि इन दिनों मानसून की ट्रफ लाइन जैसलमेर, अलवर, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश, वाराणसी, पटना, मालदा, बांग्लादेश से होते हुए अरुणाचल प्रदेश की ओर से बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से आने वाले 24 घंटे में राज्य के पश्चिमी चंपारण, खगड़िया, समस्तीपुर, भागलपुर, किशनगंज, अररिया आदि स्थानों पर मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली चमकने, वज्रपात व भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। इन जगहों को लेकर मौसम विभाग की ओर से मुख्य रूप से अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बाकी स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर की बारिश के आसार है। वहीं आज राजधानी पटना में बादल छाए रहने के साथ ही रिमझिम बारिश होने की बात कही गई। अवैध बालू खनन के मामले में सामने आए कई बड़े चेहरों के नाम। राज्य में सख्ती के साथ अवैध बालू खनन से जुड़े माफियाओं, अफसर और पुलिस अधिकारी व थानादारों पर कार्रवाई हो रही है। इससे पहले आर्थिक अपराध इकाई की टीम की तरफ से 2 आईपीएस सहित 41 अफसरों पर कार्रवाई की जा चुकी है। तो वहीं अब इस खेल में दोषियों को शह देने वाले कई सफेद पोशों के नाम भी इस लिस्ट में तैयार किए गए हैं, जो पर्दे के पीछे रहकर धंधेबाजों की मदद करते हैं। ईओयू से जुड़े सूत्रों के मुताबिक भोजपुर, पटना, औरंगाबाद के कुछ बड़े लोगों के नाम सामने आए हैं। इसके अलावा तस्करों को संरक्षण देने में स्थानीय लोगों ने भी भूमिका निभाई है। इस मामले में साक्ष्य को जुटाया जा रहा है, जिसके बाद ऐसे लोगों पर खुला एक्शन लिया जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत केस में पटना हाईकोर्ट ने 4 सितंबर तक टाली सुनवाई। पटना हाईकोर्ट ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सही ढंग से कराने की एक याचिका पर सुनवाई को 4 सितंबर 2021 तक के लिए टाल दिया है। यह याचिका मुंबई के एक लॉ के छात्र द्विवेंद्र देवतादीन देबे ने दायर की थी, जिस पर चीफ जस्टिस संजय करोल व एस कुमार की खंडपीठ ने बीते दिन सुनवाई की थी। पिछले सुनवाई में कोर्ट ने किसी को नोटिस जारी करने को लेकर इनकार कर दिया था। वहीं इस याचिका में कहा गया है कि सीबीआई सुशांत के मुंबई के बांद्रा स्थित फ्लैट में संदेहास्पद मौत की जांच कर रही है। इस दौरान यदि पटना हाईकोर्ट सीबीआई की जांच से संतुष्ट नहीं होती है तो कोर्ट की तरफ से सीबीआई के निदेशक और केंद्र सरकार को निर्देश देकर जांच कर रहे अधिकारियों को बदलकर वरीय अधिकारियों की एक नई टीम को इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपे। साथ ही हाईकोर्ट मामले की स्वयं निगरानी करे। नन्हे अयांस की मदद करने के नाम पर ठगी करने वाला गिरोह हुआ सक्रिय। पटना में रहने वाला 10 महीने का मासूम अयांस दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है, जिसकी मदद करने के लिए देश भर से हजारों लोग रकम जुटाने में लगे हैं। बता दें कि अयांस की बीमारी को ठीक करने के लिए 16 करोड़ रुपए के इंजेक्शन की जरूरत है, जिसके लिए क्राउड फंडिंग के माध्यम से उसके माता पिता रकम जुटाने में लगे हुए हैं। इस बीच जालसाज और ठगी करने वाले गिरोह को भी मौका का फायदा उठाने में लगे हुए हैं, जिसकी शिकायत खुद अयांस के पिता ने की है। हिंदुस्तान समाचार पत्र के अनुसार 7370822725 किसी का फर्जी मोबाइल नंबर है, जिस पर फोन पे, गूगल पे और पेटीएम अकाउंट बनाकर ठगी की जा रही है, जबकि इस नंबर के किसी अकाउंट का अयांस के घर वालों से कोई लेना देना नहीं है। वहीं शिकायत मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। ऐसे में आप भी अगर अयांस की मदद करना चाहते हैं तो पहले सही से उनके पिता का अकाउंट नंबर को जांच ले। टोक्यो ओलंपिक में भारत के खाते में मुक्केबाजी में आया कांस्य पदक। टोक्यो में आयोजित ओलंपिक खेलों में भारत के खाते आज तीसरा मेडल आया है। यह मेडल मुक्केबाजी में मिला है, जिसमें भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। हालांकि इस बार इतिहास रचने से भारतीय मुक्केबाज लवलीना चूक गई है। लवलीना को महिलाओं के वेल्टरवेट सेमीफाइनल मैच 64-69 किलोग्राम में वर्ल्ड चैंपियन तुर्की देश की बुसेनाज सुरमेनेली के हाथों 0-5 से हार मिली है। वहीं 57 किलोग्राम भार वर्ग में रवि कुमार ने मैच जीतकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। इंडिगो के स्टाफ की सड़क हादसे में गई जान। एयरलाइंस कंपनी इंडिगो के 15 साल पूरे होने के अवसर पर कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे इंडिगो के ही पेरेंट कंपनी एजाइल के एक स्टाफ के साथ हादसा हो जाने की खबर है। जानकारी के मुताबिक आज सुबह 6 बजे के आसपास एयरपोर्ट एंट्री गेट 1 के पास प्रिंस राज नाम के इंडिगो कर्मी को प्राइवेट बस ने रौंद डाला। इस घटना में युवक के साथ साथ एक महिला भी घायल हो गई, लेकिन घायल स्टाफ को पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने अपना दम तोड़ दिया। मिली जानकारी के मुताबिक उक्त युवक का आज ही जन्मदिन भी था और आज ही के दिन युवक की जान जाने से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। चिराग पासवान ने सृजन घोटाले की याद दिलाकर मुख्यमंत्री पर बोला हमला। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार पेगासस फोन टैपिंग मामले में जांच की मांग का समर्थन करने के बाद से खुद भी विपक्षी पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। इस बीच जदयू और सीएम नीतीश के धूर विरोधी माने जाने वाले जमुई सांसद चिराग पासवान ने भी तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। इसे लेकर चिराग ने एक ट्वीट करते हुए पहले सृजन घोटाले और नल जल घोटाले की जांच कराने की बात कही। उन्होंने लिखा कि पीएम मटेरियल को लगता है कि पेगासस मामले की जांच होनी चाहिए, लेकिन सृजन घोटाले का क्या किया जाना चाहिए? जांच ठंडे बस्ते में पड़े रहना चाहिए, नल जल घोटाले की जांच और दोषियों को दंडित नहीं होना चाहिए। जीतन राम मांझी का चाइनीज भाषा में लिखा ट्वीट हो रहा वायरल। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने बीते दिन एक ट्वीट चाइनीज भाषा में लिखा, जो काफी वायरल होने लगा। दरअसल लोग हैरान परेशान होने लगे कि मांझी ने चाइनीज भाषा में
क्या और क्यों लिखा है, जिसके बाद मांझी ने अपनी मंशा को साफ करते हुए ट्वीट के आशय को बताया। मांझी ने बिहारी छात्र के चीन के यूनिवर्सिटी में हत्या के मामले को लेकर यह ट्वीट चाइनीज भाषा में लिखा था। इसमें उन्होंने चीन के राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए तियानजिन फॉरेन स्टडीज यूनिवर्सिटीज के छात्र नागासन अमन की हत्या की उच्च स्तरीय जांच कराने और शव को अविलंब भारत भेजने की मांग की। इसके अलावा ट्वीट में उन्होंने भगवान बुद्ध का भी जिक्र किया, साथ ही चीनी न्यूज एजेंसी ग्लोबल टाइम्स के अलावे पीएमओ और मुख्यमंत्री को भी टैग किया। 22 जिलों में आज आयोजित हुई दूसरे चरण की शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग। राज्य के 22 जिलों के 50 नगर निकायों में दूसरे चरण में शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में काउंसलिंग का काम आज किया गया, जिसमें क्लास 6 से 8 के 515 पदों पर नियोजन के लिए अभ्यर्थीगण काउंसलिंग के लिए पहुंचे थे। इस दौरान आज क्लास 6 से 8 में साइंस, मैथ, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू विषयों के लिए अभ्यर्थी की काउंसलिंग की गई है। इस चरण में सबसे अधिक पद नगर निकाय में दरभंगा के लिए खाली है, साथ ही वहां पर आवेदन भी सबसे ज्यादा आए हैं। बताते चले कि दूसरे चरण की काउंसलिंग 13 अगस्त तक चलने वाली है, जिसमें करीब 65,000 पदों पर बहाली की जानी है। इसके तहत अब कल गुरुवार को कक्षा 1 से 5 तक के लिए नगर निकायों में काउंसलिंग होगी। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में दो पूर्व भारतीय क्रिकेटर भी करेंगे कमेंट्री। इंग्लैंड की सरजमी पर आज दोपहर से ही भारत के साथ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो चुकी है। खास बात तो यह है कि मैच के दौरान कमेंट्री के लिए अंग्रेजी पैनल में 7 पूर्व दिग्गज क्रिकेटरों में से 2 कमेंटेटर भारत के पूर्व खिलाड़ी भी हैं। अंग्रेजी पैनल में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक, नासिर हुसैन और माइक आर्थरटन को चुना गया है। वहीं भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर और संजय मांजरेकर को भी इस अंग्रेजी कमेंट्री पैनल में हिस्सा दिया गया है। इसके अलावा क्रिकेट एक्सपर्ट हर्षा भोगले को भी पैनल में रखा गया है। तो वहीं हिंदी की बात करें तो इसमें पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग के साथ आशीष नेहरा, मोहम्मद कैफ, अजीत अगरकर, विवेक राजदान और अजय जडेजा हिंदी कमेंट्री करते नजर आएंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार भारत और इंग्लैंड के बीच आज से शुरू हुए टेस्ट मैच में किसका पलड़ा भारी रहने वाला है। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।